केवल टाइप है, देखो किधर फंस गया। आज हुआ फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है बुलेट सिंह और ये देखिए कांच में दिख रहा हूँ आपको। ओके, तो जैसा मेरे हाथ में ये दो गोटी नहीं, गोटी नहीं, क्या ये ड्रम भी नहीं, क्या तो क्या बोलते हैं इसको, मस्त बूच, कस्टमाइज बूच बनाया गया है। और भाई का ये देखिए हमारे बोईसर के किंग मास्टर, क्या नाम है पहले, नाम में आईडी लिख लो, बोईसर पाल का डानू, पूरा नाम जगह सब जगह इनका नाम है, माली भाई चेतन इसके काम करते हैं, तो इन्होंने ये बनाया है। तो जल्द देखते कि इसका क्या होने वाला है, मतलब इसका शायद से मुझे लगता है कुछ गाड़ी वाड़ी में लगाएंगे, गाड़ी मतलब क्या देखते हैं। ओके, तो फाइनली आपने देख लिया कि डोमिनार का आपने स्पीडोमीटर देखा यहाँ पे, और ये जो बाइक है, अरे क्या अनपढ़ जैसी बात कर रहा, डोमिनार लिखा हुआ है यार तो भी। ओके, एकदम सुपर बाइक, ऑलमोस्ट सुपर बाइक है यार, ये तो सुपर बाइक है। तो इसमें करने क्या वाले, जैसे कि आपने बाइक ले लिया और बाय मिस्टेक आपका थोड़ा जो इसका हैंडल का पोजीशन है वो आपको थोड़ा सा ऐसा हो कि आप मतलब आपको जम ना रहा हो इसका हैंडल पोजीशन, मतलब कि जैसे कि पोजीशन थोड़ा सा चेंज करने वाले, तो वो कैसे चेंज होएगा। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था मेरे हाथ में दो कुछ तो था स्टार्टिंग में, तो उसको कहाँ पर इंस्टॉल करने वाले और हैंडल का पोजीशन कैसे चेंज होएगा, मतलब थोड़ा आरामदायक हो जाएगा। कितनी नंबर एलएम की है, ये है एलएम की, और जो इसमें दिया है हैंडल बार में जो ये जो हैंडल यहाँ पे होल्ड करके रखा है, जहाँ आप देख रहे हैं इसमें चार एलएम की स्क्रू है, वो पाँच नंबर का है, तो अभी उसको पाँच नंबर से लूज़ कर रहे हैं, मतलब लूज़ नहीं पूरा ओपन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक एक करके एलएम की निकल गया, और देखिए कैसे यहाँ से लूज़ हो गया, हैंडल को पकड़ के रखना पड़ेगा वरना, क्योंकि अभी एक ही नट बचा है, तो जैसे वो निकलेगा हैंडल, देखिए यहाँ पे नीचे डाउन आएगा। ओके, तो यहाँ से हैंडल बाहर, और इसके अंदर है दो बड़े एल की जो है नंबर 16-17 का रिम बना देना, तो वो एल की खोलने के लिए दिखे नीचे से भी 17 नंबर का पाना लूज था। ये टाइट था। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्रोम इसको। ओके, तो इधर रबड़ है, यहाँ पे रबड़, इसके ऊपर ये कैप है, कर सकते हैं। देख वाइसर गिरा ठंडी है कुल, वाइसर आउटसाइड, और यहाँ पे आएगा क्या, ये देखिए जो बोल छोटा हो गया, मतलब कितना बड़ा लाना पड़ेगा। आपने देखा वहाँ पे ये था, इसको बोलते हैं हैंडल बार राइजर, जो हैंडल का पोजीशन बढ़ा देता है, मतलब आप थोड़ा उसको हाइट पे ले सकते हैं, देन उसके बाद कैसा आपका जो शोल्डर पोजीशन है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और अब आराम से गाड़ी, मतलब आपका पोजीशन आरामदायक हो जाएगा। तो ये जो उसका एलएनजी वोल्ट था ये भी छोटा पड़ रहा है, क्योंकि ये जाएगा तो हाइट बढ़ेगा, तो अभी भी बड़ा लेके आना पड़ेगा, तो देखते कितना अभी कितना बड़ा लगेगा। एक दो और वॉशर, और तो पौना इंच बड़ा चाहिए, मतलब मतलब पौना इंच बड़ा देता हूँ, ये देखिए एक इंच इतना हो गया। हाँ, तो ये भाई थोड़ा ऑयल है, हाँ भाई परफेक्ट आया, परफेक्ट आया, कौन सा लाया ये देखिए, हाँ तो ये ओरिजिनल है जो गाड़ी में पहले से था, और अभी ये दूसरा ले गया है बड़ा, क्योंकि इतना बड़ा मतलब वो, और अभी इसको टाइट करें तो देखिए अभी ये नया लेके आया, तो अभी आप से इसको ये ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे आएगा और यहाँ पे आएगा, तो ये हाइट पे आ जाएगा हैंडल का पोजीशन। तो ये दोनों को यहाँ पे, जब ये दोनों को यहाँ पे लगा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, तो ये जैसे यहाँ पे एलएनके लगा है, यहाँ पे भी एलएनके लगेगा, और एलएनके सॉरी यहाँ पे भी मतलब एलएनके यहाँ पे, एलएनके यहाँ पे, और यहाँ पे जाएगा ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट बड़ा वाला एलएनके फिक्स हो गया है, और देन लास्ट ये मतलब दो ही एलएनके है, और ये भी यहाँ पे फिक्स होने वाला है। तो जैसे कि ये दोनों फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद जो ये हैंडल बार है यहाँ पे आएगा, और उसके बाद उसका जो पोजीशन है, मतलब जो भी भाई गाड़ी मतलब जो भी ये बाइक राइड करने वाला है या चलाने वाला है, तो उसके हिसाब से इसका पोजीशन रखेंगे, और चार जो एलएन के नट थे, इससे जो चार एलएन के वोल्ट थे वो टाइट कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कैसा दिखता, मतलब हाइट आने के बाद सामने से इसका व्यू कैसा दिखता है। एक और एक्स्ट्रा सेफ्टी जोड़ दिया है, इसके नीचे एक ही नट होता है, लेकिन हमने इसमें इसके नीचे दो नट लगा दिया, मतलब डबल सेफ्टी कि लूज़ होने का चांस ही नहीं।
उसमें उसमें फिर से भर के रखना। और ये देखिए यहाँ पे हैंडल बार आ गया और जो हैंडल फिर से ओके जो हैंडल बार का होल्डर है वो देखिए वहाँ पे रख के उसको मतलब जिसको हैंडल बार पे जो ग्रिप है वो एग्जैक्ट वो ग्रिप बीच में आना चाहिए। पकड़ के रखो ओके ऐसे ही पकड़ के रखते हैं गाड़ी बिल्कुल ना हिले ओके एग्जैक्ट। और ये पांच नंबर लेंगे उड़ा तो उनके ये हो गया। अभी चेक करने वाले हैं ये देखिए तो उसको पूरा टाइट किया नहीं है बस थोड़ा सा ही टाइट किया है बस ये देखिए शोल्डर पोजीशन देखिए कैसा गया है मतलब एकदम सीधा। और देखिए आप उसका ग्रिप चेक करें कि ग्रिप बाहर ना आए एकदम एग्जैक्ट जगह पे सही जगह पे रहे। और एक ओके टर्न हो गया और वहाँ पे फुल टाइट कर दे रहे हैंडल बार का होल्डर और इंजन स्टार्ट। वो तो आरपीएम देखा सो में आते हैं केबल टाइट है देखो किधर फंस गया आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपने डोमिनार में ये ओके डोमिनार में या ड्यूक में ये मतलब हैंडल का पोजीशन चेंज करना चाहते हैं आरामदायक करना चाहते हैं तो मैं इस वक्त आ गया हूँ KTM शोरूम के बाहर। तो बात की बात है तो आपने जैसा वीडियो देखा कि हमने आज डोमिनार में हैंडल बार राइजर इंस्टॉल किया जिसकी वजह से हैंडल जो है ऊपर आ गया उसका पोजीशन थोड़ा आरामदायक हो गया है। तो भाई जो भी गाड़ी चलाया ना मतलब उसको तो अच्छा फील हुआ समझा तो भी अच्छा फील हुआ और मस्त हो गया हैंडल मतलब आरामदायक हो गया। तो देखिए अच्छा शोल्डर जो है मतलब एकदम मस्त पोजीशन में जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और क्या लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए और हाँ प्लीज़ आप कहाँ से बोल रहे हैं आप वो भी लिखना ना भूलिए तो हम आपको सेम वैसा कुरियर कर देंगे देन कुरियर से पहले भाई।